वो उसके बाद जाएगी। अगर हम इसको थोड़े देर ऐसे रख देते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी पदार्थ है वो सब नीचे जल जाए, है ना। तो ऐसा मिश्रण जिसमें अव्यय हमें दिखाई देते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मांगी मिश्रण। समझ में आ गई बात। अब देखिए एक और उदाहरण हम लोग ले लेते। इसमें क्या हमने किया था, ठोस 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 जल, है ना। इसमें हमने क्या मिलाया था, ठोस और जल मिलाया है। अब इसमें हमने क्या किया है, द्रव में द्रव मिलाया है। एक द्रव है पानी और दूसरा द्रव है तेल। तो दोनों द्रव है लेकिन ये दोनों देखो बहुत सारा तेल हमारे चम्मच में आ गया, क्योंकि चम्मच तेल का लेयर ऊपर ही बना हुआ था। यस मैम। क्यों ऊपर तेल का लेयर बन गया था, क्योंकि तेल जो है वो पानी से, अब इसको हम खूब तेज स्टीयर करते हैं, जैसे हम चीनी नमक बोल रहे थे ना। यस मैम। हल्ला क्या कर रहे हो जी। अब इसको जब हम ऐसे घोल रहे हैं तो देखिए अब क्या हुआ, देखो क्या हो गया, पानी के ऊपर तेल जो है बूंद बूंद में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। छोटे छोटे तेल के कण यहाँ भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, देखो, है ना। देखो ये तेल जो है, देखो अब इस समय तेल का कण पूरा चारों तरफ फैला है लेकिन तुरंत ऊपर सब चले जा रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि तेल और पानी घुला नहीं है, वो एक दूसरे में मिले नहीं है, बस उसके ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, yes, है ना। yes, तो ये भी कौन सा मिश्रण होगा, विस्मांगी मिश्रण होगा, ठीक है। तो ये मिश्रण जो है समांगी और विस्मांगी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनको अलग कैसे किया जा सकता है, ठीक है।